दोस्तों अन्नाग्लो रसोई की रंगत में हम आज आलू की सूखी भाजी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 4-5 आलू को बॉईल करके छिलके निकाल के काट के रखा है। 4-5 मिर्ची और सींग दाने जो पेनट्स के ग्राइंड करके ऐसा करकरा पीसा है और धनिया पत्ती धो के रखी है। अब मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल और राई डाली है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी सेस में। दोस्तों मैंने 1 चम्मच सेस में तिल डाला और थोड़ी हींग डाली और अब हल्दी डाल के हम बॉइल्ड आलू के पीसेस डालेंगे। ये हल्दी डाली मैंने, हल्दी डाली और ये आलू इसमें डालेंगे। आलू की सूखी भाजी हमारे गुजरात में जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो आलू की सूखी भाजी लेके जाते हैं। और थेपले जो मैंने मेथी के थेपले आपको पहले बताया था, तो ये आज आलू की सूखी भाजी बन रही है। ये भी सफ़र में 2 दिन तक ख़राब नहीं होता है और साथ में ले जा सकते हो क्योंकि इसमें पानी का मात्रा नहीं। तो अब इसको चला लेंगे और फिर उसमें मिर्ची और सींग दाने के जो मैंने ग्राइंड किया है वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही तेल हो गया उसमें तिल और हींग डाली और हल्दी डाली और तुरंत ही बॉइल्ड किए हुए आलू के पीसेस डाले और सिंगदाना और ग्रीन चिल्ली का जो भूका है वो डाला मैंने। 4 ग्रीन चिल्ली तिखी वाली और लगभग 1 टेबलस्पून सिंगदाने का क्रश किया था। और अब हम सब सूखे मसाले डालेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी वैसे हो गई है, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार एवं ये खट्टी मीठी बनाएंगे नींबू डालेंगे और बारीक पीसी हुई शुगर 2 चम्मच डालेंगे। दोस्तों अन्नाग्लो रसोई की रंगत में हम सूखी भाजी बना रहे हैं आलू की। उसके लिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर डाली है क्योंकि हम उसमें नींबू डालने वाले हैं। तो ये तीखा खट्टा मीठा सूखी सब्जी बनेगी आलू की। तो आलू की सूखी सब्जी की 5 स्टेप इस प्रकार है। पहले मैंने 5 मीडियम आलू को कुकर में बॉईल किया, उसके छिलके उतारे और उसको इतने इतने पीस में काटा। सेकंड स्टेप में मैंने कढ़ाई में तेल बघारा, 3 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें राई, तिल, हींग और हल्दी डाल के पीसेस जो आलू के किए थे वो डाले। थर्ड स्टेप में मैंने उसमें सिंगदाना और ग्रीन चिली का जो क्रश किया था मिक्सी में वो डाला। फोर्थ स्टेप में मैंने सूखे मसाले डाले, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच पीसी हुई शुगर। अब इसको चला लेंगे और उसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। मैं काफ़ी मात्रा में धनिया पाउडर डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है, इसमें उसका टेस्ट ही अलग आता है दोस्तों। तो ये हमारा 5 स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप में उसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। तो ये हो गई अन्नाग्लो रसोई की रंगत की आज की वानगी आलू की सूखी भाजी, जो हम ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं और घर में भी पराठे या रोटी के साथ खा सकते हो। जरूर बनाइएगा दोस्तों। अनिला शाह फ्रॉम अन्नाग्लो रसोई की रंगत, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों मसाले को थोड़ा तेल के साथ में पकने देंगे 1 मिनट के लिए और ये हो गई आपकी आलू की सूखी भाजी।